बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स खैरियत से होंगे। आज की एक अहम मीटिंग जिसमें जो एनसीओसी की मीटिंग थी, जिसमें वज़राए तालीम और जिनकी सदारत शफकत महमूद साहब ने की, बताया ये जा रहा है कि इस मीटिंग का जो फाइनल फैसला होगा वो ये है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। वो जो स्कूल बंद होंगे वो इलाके बंद होंगे जहाँ कोरोना की तादाद ज़्यादा होगी, जहाँ कोरोना के टेस्ट ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे वो स्कूल बंद हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पर कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, कोरोना की जो तादाद कम रही, इफेक्टिव तादाद कम रही, जिसकी वजह से जो स्कूल बंद नहीं होंगे। अगर कहाँ पर कोरोना बढ़ेगा तो वहाँ पर स्कूलों की तो जो ऑटोमेटिक बंद करना पड़ेगा। ये इसी तरह इम्तहान के बारे में भी आज डिस्कस होगा कि इम्तहान कैसे होने चाहिए। इम्तहान का शेड्यूल भी आज जारी किया जाएगा इंशाल्लाह। चंद लम्हे बाद आपको दूसरी वीडियो में सेंड करूंगा जिसमें इम्तहान के बारे में क्लियर बात होगी। तो ये थी छोटी वर्सी एक अपडेट जिसमें एनसीओसी की मीटिंग थी, जिनकी सदारत जनाब शफकत महमूद साहब ने करनी थी की है, और साथ ही वज़राए तालीम और जो हेल्थ के अफ़सरान हैं वो भी मौजूद थे। तो ज़्यादातर यही कोशिश की जा रही है कि स्कूलों में छुट्टियां ना की जाएं, बच्चों का पहले ही जो है काफ़ी टाइम ज़ाय हो चुका है। लेकिन जहां पर कोरोना की शिद्दत, कोरोना की लहर तेज़ होगी, जहां पर कोरोना के टेस्ट ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे, उस इलाके को, उस स्कूल को सील कर दिया जाएगा। और जो स्मार्ट लॉकडाउन होगा ये जारी रहेगा, हफ्ते के अंदर 2 दिन छुट्टियाँ जो है खरे हफ्ता एतवार लॉकडाउन होगा कम्प्लीटली तौर पर, बाकी जो है स्मार्ट लॉकडाउन होगा। ये था जो है शफकत महमूद साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया था स्कूलों के हवाले से, स्कूल बंद नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी खबर थी, अक्सर स्टूडेंट्स यही सवाल कर रहे थे कि स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बंद होंगे तो फिर भी स्टूडेंट्स का नुकसान है। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला अगर होना जा रहा है तो बहुत ही अच्छा फैसला है कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन